आपको दो तरीके से आईफोन मिल सकते हैं। इवेंचुअली वो होता है अराउंडर्स का, हमको एक्सेसरीज का कूपन भी मिला था। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आप लोगों ने काफी बार सुना होगा कि आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स जो कोई भी एब्रॉड रहते हैं उनके पास, मतलब ज्यादातर लोगों के पास आईफोन्स होते हैं। सो आप लोगों को भी लग रहा होगा कि लोग बाहर जाके आईफोन्स क्यों ले लेते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ द अफोर्डेबिलिटी। तो आज हम उसी के बारे में सारी बात करने वाले है कि यहाँ पे आईफोन की प्राइस क्या क्या है एंड कौन कौन से प्लान्स होते हैं। सो डू वॉच द वीडियो टिल एंड, एंड विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कनाडा की। यहाँ पे आपको दो तरीके से आईफोन्स मिल सकते हैं। एक ऑप्शन है कि आप आईफोन खरीद सकते हैं जैसे कि हम इंडिया में करते हैं कि हम आईफोन खरीद लेते हैं डायरेक्ट। जो जैसे मान लो कि $1200 में आईफोन 14 प्रो फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आपने वो खरीद लिया उसका वो पे करके पूरा अमाउंट, तो वो हो गया अनलॉक फोन। यहाँ की कैटेगरी वो ये आती है कि अनलॉक फोन की कैटेगरी में वो जाता है। दूसरा ऑप्शन ये होता है जिसमें आपको मंथली ईएमआई भरना होता है। तो दो तरीके से हो सकता है तो हम इस वीडियो में स्पेसिफिकली बात करेंगे कि मेरा जो केस है, मतलब मैंने यहाँ पे आके ही अभी न्यू फोन लिया है जो कि आईफोन 14 प्रो, तो हम उसके बारे में बात करेंगे एंड हमें कितने का पड़ा है वो भी हम सारी बातें डिस्कस करेंगे। सो मैंने जो अपना फोन लिया है वो मैंने मंथली बेसिस पे लिया है जिसमें हमें पर मंथ पर्टिकुलर अमाउंट पे करनी पड़ती है। एंड यहाँ पर मंथ के लिए भी आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो होता है कि आप 2 या 3 साल बाद उसको रिटर्न करा दे, एंड दूसरा ऑप्शन होता है कि आपको पर मंथ पे करके वो आप रख सकते हैं। दो साल के बाद आपका ये हो जाता है, मतलब उसका अमाउंट ही ऐसा फिक्स होता है कि दो साल के बाद पूरा अमाउंट पे हो जाता है जो फोन का अमाउंट होता है वो। तो मेरा जो फोन है वो हमने लिया है रिटर्न पॉलिसी वाला जिसमें हमें 2 साल के बाद उसको रिटर्न करना है। जो रिटर्न करना है जो कि हमें रखना है उसमें मेन तो यही है कि हमें प्राइस में काफी डिफरेंस मिल जाता है। लाइक जो रिटर्न वाला होता है वो हाफ प्राइस में मिल जाता है, एंड जो अगर आपको रखना है तो ऑब्वियसली उसका आपको डबल पे करना पड़ता है, मतलब फुल पेमेंट। जैसे मान लो कि फोन $1200 का है तो इवेंचुअली अगर आप मंथली इंस्टॉलमेंट काउंट करोगे तो वो 1200 हो जाएगा इन शॉर्ट। या एंड अगर आप रिटर्न वाला लोगे तो 1200 से हाफ में वो आपको मिल जाएगा, आई मीन $600 का। हाँ राइट। यहाँ पे जो फोन जिस कंपनी के पास बेचते हैं, जैसे मान लो कि इंडिया में एयरटेल और रिलायंस जियो, तो आप फोन परचेज करते हो रिलायंस या फिर एयरटेल से फॉर एग्जांपल। यहाँ पे ऐसा सिस्टम है जैसे मान लो कि हमने लिया है बेल से, सो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है बेल के साथ, तो हमारे केस में क्या है कि वी आर पेइंग $23 फॉर जस्ट फॉर द फोन फॉर 24 मंथ्स। इनको 2 साल में फोन वापस करना है। ये हमारे प्लान के साथ 50 GB का जो डेटा है वो 5G अवेलेबल है, उसका हमारा प्राइस है $55। सो यहाँ पे टैक्स बाद में लगता है, तो अगर आप टैक्स मिला के हम कैलकुलेट करें तो इवेंचुअली वो होता है अराउंड $85। सो हमको $85 पर मंथ बेल को देने पड़ते हैं, और बेल मैनेज करता है कि भाई फोन का मतलब कैसा सीन है। एंड वो भी हमने काफी मतलब डिस्काउंट चल रहे थे उसमें से हमने ऊपर से अलग से डिस्काउंट लगाई, लाइक एम्प्लॉय डिस्काउंट और वो सब होता है, तो वो सब लगाने के बाद हमें ये इतने का पड़ा है, विच इज आई गेस अ गुड डील। या सो इट इज अ गुड डील। अगर आप लोग अच्छे दाम में खरीदना चाहते हैं, सो वी वुड सजेस्ट कि आप लोग बॉक्सिंग डे या फिर ब्लैक फ्राइडे या फिर बैक टू स्कूल, या सो ये सारे जब दिन आते हैं ये सारे सेल आते हैं okay. तो इन सारे सेल्स में आपको काफी अच्छे डिस्काउंट्स में आईफोन मिल सकते हैं। और एक चीज ये है कि हमको डाउन पेमेंट भी पे करना था। हमारे केस में अच्छी चीज वो थी कि हमारा जो $150 का पूरा डाउन पेमेंट था वो हमको जो कूपन मिले थी वेलकम टू बेल ऐसा है, तो $150 पूरा हमारा डाउन पेमेंट कूपन में चला गया, और $50 का हमको एक्सेसरीज का कूपन भी मिला था। मतलब उसमें क्या होता है कि आपको इन स्टोर कोई भी मोबाइल एक्सेसरीज यू कैन परचेज, एंड शायद वो उसी दिन आपको लेनी पड़ती है। हाँ, उसी दिन, जिस दिन आप मोबाइल लोगे उसी दिन आपको मोबाइल एक्सेसरीज लेनी होगी। हाँ, तो हमारे केस में हमने क्या लिया था, एक तो आईफोन का ब्लॉक लिया, चार्जर ब्लॉक, हाँ चार्जर ब्लॉक, क्योंकि वो अभी नहीं आता एप्पल के साथ।
और एक स्पेयर में उसका केबल ले लिया, चार्जिंग केबल, क्योंकि मेरे को पता है कि मतलब उसका चार्जिंग केबल इतना हाई क्वालिटी का नहीं होता। तो हमें ये जो फोन 2 साल के बाद रिटर्न करना है, तो अगर आप रिटर्न नहीं कर पाए या फिर आपको लगा कि ये फोन मुझे ही रख लेना है, तो आपको उसके $600 ऊपर के भरने पड़ेंगे। मतलब हमारे केस में, हमारे केस में वो 600 बन रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आपका रिमेनिंग अमाउंट बन रहा है $400, तो आपको $400 पे करके मतलब नाउ यू विल बी दी ओनर ऑफ द फोन। या सो अगर आपको रख लेना है या फिर मान लो कि स्क्रीन डैमेज हो गई या फिर कुछ बड़ा वाला हो गया फोन में, तो आपको वो इतने पे करने पड़ेंगे। एंड वैसे मुझे ये रिटर्न वाला ऑप्शन अच्छा लगा, बिकॉज एक तो आपको हाफ प्राइस देनी है, एंड दूसरा ये कि जनरली मैं तो 3 साल के बाद या 4 साल के बाद नया फोन ले ही लेती थी, तो मुझे लगा कि मैं 2 साल के बाद नया फोन ले लूँ, तब जो भी अपडेटेड फोन आएगा वो हम ले सकते हैं, तो उसके चांसेस जो है वो काफी ज्यादा अच्छे बन जाते हैं। एंड यहाँ पे क्या होता है कि आप जिस भी नेटवर्क के साथ लॉन्ग टर्म रहते हैं, तो आपको एट द एंड वो लोग लॉयल्टी डिस्काउंट्स देते हैं। लाइक मैंने जो अभी लिया है वो है बेल, राइट? सो बेल के साथ हम लोग 2 ईयर्स तक तो हम फिक्स ही है कि हम बेल ही यूज करेंगे, तो 2 साल के बाद हमें उसका लॉयल्टी डिस्काउंट्स मिलेगा, जो कि हम 2 साल के बाद जब नया फोन लेंगे तो उस पे वो लगाएंगे। सो विच इज अ गुड थिंग, लाइक हमें उसमें भी डिस्काउंट्स मिल जाएगा। अगर हम कोई ऐसे डील वाले है जैसे कि बॉक्सिंग डे या फिर ब्लैक फ्राइडे ऐसे दिनों में लेते हैं, तो हमें मतलब वो भी डिस्काउंट, तो anyway डिस्काउंट है ही, पर ये तो लॉयल्टी का डिस्काउंट और ऐड होगा। या सो एट द एंड डिस्काउंट्स काफी ज्यादा मिल सकेगा हमें फोन के लिए, तो $23 ही पर मंथ पड़ने हैं, राइट? सो हमने उसका कन्वर्ट किया था इंडियन रुपीज में, जो कि आया था 30 to 35,000 के बीच में आया था। एंड आई गेस 30 to 35,000 के बीच में अगर आपको iPhone 14 Pro यूज करने को मिलता है, so I don't think so, it's a bad deal. हाँ, सही है, बिल्कुल। एंड 2 साल के बाद आप नया जो भी अपडेटेड फोन आएगा वो ले लीजिएगा, एंड वो भी डिस्काउंट पे। और कनाडा में डेटा और वो सब तो एनीवे एक्सपेंसिव है। हम जहाँ से आ रहे हैं, द कंट्री इज द लाइक द लीस्ट एक्सपेंसिव, राइट नाउ इज द लाइक मोस्ट एक्सपेंसिव। एंड जो लोग भी नए आने वाले हैं यहाँ पे, आई मीन जो लोग भी स्पेशली कनाडा आने वाले हैं, हम उनको एक एडवाइस देना चाहेंगे कि अगर आप लोगों को यहाँ पे आके iPhone 13 या 14 या जो कोई भी फोन लेना है, तो उसका टफर ग्लास इंडिया से ही लेके आना, बिकॉज यहाँ पे काफी कॉस्टली मिलते हैं। लाइक हमने एक वीडियो किया था कि एवरीथिंग अंडर $1, तो उसमें हमने कहा था कि वहां पे काफी सारे टफर ग्लासेस थे, राइट? बट वी आर नॉट श्योर कि अगर आप लोग गए तो तब नहीं मिला तो क्या, राइट? उसकी कोई आई मीन श्योरिटी नहीं है कि आप जाएंगे और आपको मिल ही जाएगा, चांसेस है कि आपको मिल सकता है, लेकिन सेफर साइड यही होगी कि आप लोगों को अगर यहाँ पे आके लेना ही है आईफोन, तो आप वो जो भी आपको आईफोन का जो भी वर्जन लेना है उसके टफर ग्लास आप वहां से ही लेके आना, एंड इवन फोन का कवर भी, बिकॉज फोन का या फोन का जो बैक कवर है वो भी यहाँ पे काफी कॉस्टली मिलता है, तो वो भी आप इंडिया से ही लेके आना। लाइक मैं जब कनाडा आई थी तो मैं जब कनाडा आई थी तो हमारा तय था कि हमें आईफोन 14 प्रो या फिर आईफोन 13 प्रो लेना है, तो मैं इंडिया से ही उस दोनों के टफन ग्लासेस लेके आई थी। नो डाउट मैं कवर तो लाना भूल गई थी तो आप लोग ऐसा मत करिएगा। तो वही है कि आप लोगों को अगर आप कंफ्यूज है कि आप कौन सा वाला फोन लेंगे, तो 2 टफन ग्लास ले लीजिए, आई मीन 2 अलग अलग मॉडल के टफन ग्लासेस लेके आया, जो कि एक तो ऐसा ही पड़ा रहेगा, पर फिर भी दैट विल बी वेरी लाइक मोर बेनिफिशियल, मोर लाइक, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत महंगा है, हद मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। एंड इस वीडियो में हमने हमारे एक्सपीरियंसेस सिर्फ शेयर किए है, वी आर नॉट द एक्सपर्ट, बट या हमें जितना भी पता है हम लोग उतना शेयर करना चाहते हैं। अगर आप में से किसी को भी ये हेल्पफुल होगा तो हमारे लिए ये वीडियो पूरा वर्थ हो जाएगा। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली हु आर कमिंग टू कनाडा। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, एंड I think we will see you in the next one. Till then, bye-bye.